पे जो छात्र होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं और खासतौर से मीडिया क्षेत्र में, तो उन्हें ग्राम का किस तरह से गांव का विकास हो सके इस संदर्भ में बहुत जानकारी मिली। एशिया की सबसे पहले पत्रकारिता विश्वविद्यालय की छाप अपने आप में विशेष है, खास तौर पर जब से केजी सुरेश जी ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में पदभार संभाला है, तब से विश्वविद्यालय नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा के परिसर प्रभारी श्री सूर्य प्रकाश ने पत्रकारिता से संबंधित विषयों पर आवश्यक चर्चा की, जहां उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता से संबंध आवश्यक बिंदुओं पर प्रमुखता से ध्यान आकर्षण करवाया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आंचलिक पत्रकारों के लिए एक वर्षीय रूरल डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन का एक वर्षीय कोर्स विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका लाभ संयोजित रूप से सभी ले सकते हैं। इस कोर्स में पत्रकारिता के साथ साथ उसमें शामिल तकनीकी और लेखनी प्रदर्शन के नए आयामों के विषय में जानकारी दी जाती है। वहीं जब हमने श्री सूर्य प्रकाश परिसर प्रभारी एमसीयू रीवा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा से बात किया, तब उन्होंने बताया कि एमसीयू के रीवा परिसर में पिछले वर्ष माननीय कुलपति जी के जो एक अपना एक स्वरूप था, एक ड्रीम था, स्वप्न था, उसको लेकर ग्रामीण पत्रकारिता का एक पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा शुरू किया गया। पिछले वर्ष हमारे पास लगभग 10 बच्चे थे और ये एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो बहुत कम विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि विद्यार्थियों के बीच के अंदर हम एक ग्रामीण समझ को पैदा करने का प्रयास करें। आमतौर पे जो छात्र होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं और खासतौर से मीडिया क्षेत्र में, तो उन्हें ग्राम का किस तरह से गाँव का विकास हो सके इस संदर्भ में बहुत जानकारी मिली। तो ग्रामीण विकास में सरकार की जो योजनाएं हैं या गांव के लिए जो विकास के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उसमें किस तरीके से पत्रकारिता के माध्यम से उनका योगदान हो सकता है, इस नज़रिए से इस कोर्स को डेवलप किया। ये पिछले वर्ष जो कार्यक्रम शुरू किया गया था यहाँ, इसमें मेन वजह ये भी है कि ग्रामीण पत्रकार जो आंचलिक पत्रकार हैं उनको तकनीकी शिक्षा से अवगत कराना, उनके अंदर उस तरह के कौशल विकसित करना ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। आंचलिक पत्रकारिता में अगर हम बात करते हैं, आंचलिक पत्रकारों की स्थितियाँ जो देखते हैं वो बहुत अच्छी हमें नहीं दिखती। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि उन पत्रकारों को जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आंचलिक पत्रकारिता कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें और तकनीकी रूप से दक्ष बनाना, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को या पत्रकारिता की को लेकर के जो और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, इसी उद्देश्य से इस कोर्स को शुरू किया गया। सर, इस पर खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।